हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो बहुत सारे अलाउ करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो आप बिना पढ़े उन्हें एप्लीकेशन में अलाउ कर देते हो और ओके कर देते हो, और जैसे ही आपको सिक्योरिटी सेटिंग में जाने के लिए आप उसे भी इनेबल कर देते हो। तो ऐसा करने से आपका फ़ोन का जो डेटा होता है वो आपका चोरी हो भी सकता है। तो फ्रेंड्स, आप उसे बचने के लिए आप क्या करते हो, आप क्या करना होगा, तो मैं आपको उस जानकारी के आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे एक लिंक आया था एप्लीकेशन का, तो मैं उसे लिंक पर ही आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह की एप्लीकेशन होती है। तो फ्रेंड्स, ये अनाउंस सिक्योर को इनेबल करने के लिए कहती है। तो फ्रेंड्स, एक गेम को ऐसा क्या चाहिए जो आपके फ़ोन को अनाउंस सिक्योर करने को भी इनेबल करने को लिए कहता है। तो फ्रेंड्स, हालांकि ये अर्निंग ऐप है और अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे सारी इन्फॉर्मेशन को अलाउ कर दो। तो फ्रेंड्स, आप लालच में आ जाते हो और आपको अर्निंग होने लगती है तो आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने लग जाते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एप्लीकेशन को क्या कहता है। जैसे कि मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कुछ। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, दिस टाइप इस फाइल कैन हार्म योर डिवाइस, डू यू वांट यू कीप इट अवे। तो फ्रेंड्स, ये कहने वाला है, इसमें आपको हिंदी में भी दिखा दूंगा कि क्या कह रहा है। फिलहाल तो मैं अभी नहीं बता सकता इसके बारे में। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन को अलाउ करने के लिए बोलता है। तो फ्रेंड्स, आपका ये फ़ोन आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता है, लेकिन आप उसे क्या करते हैं, ओके कर देते हो और सिंपली उसे डाउनलोड कर लेते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। ये देखिए, डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, और भी बहुत सारे ऑप्शन, ये बार बार नीचे हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेन चीज़ ये है, योर फोन इज डिवाइस पर्सनल डाटा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बहुत बड़ा आपको मैसेज आता है और आप उसे डायरेक्टली ओके कर देते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, पहले आपको इस तरीके से पढ़ना है कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये किस तरह से पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है ट्रांसलेट ऐप। तो मैं अब गूगल ट्रांसलेट ऐप में आपको जाता हूँ। मैंने इसके पहले से स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं आपको सिंपली वहीं से ले चलता हूँ। तो फ्रेंड, मैं अब सबसे पहले जाता हूँ मैं गूगल ट्रांसलेट में, ठीक है। मैं गूगल ट्रांसलेट, आपको इस तरह का एप्लीकेशन मिलेगा। अगर आपको नहीं है तो मैं इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना है इसके कैमरे के ऑप्शन में। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो कैमरे का ऑप्शन आपको ऑप्शन मिलेगा और आपसे ओपन कर लीजिएगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट पहले से ही लिया हुआ है या फिर उसे कोई भी स्कैन करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। कैमरा इनेबल है, मैंने कैमरे को बंद कर रखा है। तो यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना था तो आपको जो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वहाँ से आप इसे देख सकते हैं कि आपको क्या कह रहा है। तो फिर इस तरीके से ये आपको तरीका हो जाएगा और ये इंग्लिश वर्ड को स्कैन कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है बस, बाकी को छोड़ देना है, केवल इसी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। और मैं इस पर तीर पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार की फाइल आपके डिवाइस को नुकसान पहुँचा सकती है। तो ये आपका डिवाइस कह रहा है इस एप्लीकेशन के बारे में कि इस तरह के डिवाइस आपके फ़ोन को नुकसान पहुँचा सकता है, तो क्या आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो। तो इस तरीके से ही आप इसे हिंदी में करके देख सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वाली भी खा देता हूँ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जाना है आपको नेक्स्ट वाली। ये देखिए, इसमें सबसे बड़ा आइकन है, इसमें क्या लिखा है, केवल इसी को आपको सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, ये बहुत छोटे से छोटे वर्ड को भी स्कैन कर लेता है। ये देखिए, सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके फ़ोन और व्यक्तिगत डेटा आगे स्रोतों ऐप्स के द्वारा हमला करने के लिए अधिक सुरक्षित है। आप सहमत हैं कि आप अपने फ़ोन की किसी भी नुकसान या डेटा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जो कि इन ऐप को आप डाउनलोड
करेंगे तो इसका परिणाम स्वरूप इस तरीके से हो सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये था इंग्लिश में योर फोन एंड पर्सनल, और यहाँ पे था हिंदी में। तो फ्रेंड आप इस तरीके से आप एप्लीकेशन के सबसे पहले पढ़ सकते हैं कि एप्लीकेशन क्या क्या रहा है। लेकिन हालांकि फ्रेंड्स हर एप्लीकेशन इस तरीके का नहीं होता। मैं इस एप्लीकेशन की बुराई नहीं कर रहा क्योंकि एप्लीकेशन भी अच्छा है। तो मैं फिर आपको केवल एक जानकारी दे रहा हूँ कि इस तरह के एप्लीकेशन को आप अच्छी तरह से पढ़ लें और अच्छी तरह से देख लें। लेकिन और ख़ास बात अगर मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन ये बहुत ही अच्छा है। सो फ्रेंड्स आपको इसकी सही पहचान कैसे करनी कि एप्लीकेशन सही है या गलत है, तो सबसे पहले ये जो आपको लिंक दिख रहा है यहाँ पे, इस पर टैप करना है। ठीक है, टैप करने के बाद में इस एप्लीकेशन को आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे HTTPS, तो एस का मतलब होता है सिक्योर, तो ये पूरी तरह से सिक्योर है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बच आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, और साथ ही हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। लेकिन ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, अर्निंग एप्लीकेशन है, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तकली जय हिंद, वंदे मातरम।